हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो में कुछ खास होने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे नेदर ब्रो में जो लड़की जो अभी मोना के बर्थडे पर आई थी, उनकी बेस्ट फ्रेंड, आज उनका रिंग सेरेमनी है और आज ही उनका तिलक भी है। तो उसके लिए मैं मोना को रेडी करूँगी। अभी मैंने मोना के पैक्स कर दिया, अभी मोना आने के लिए गई है। जब तक मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करी और ये ड्रेस वो पहनेंगी आज अपनी फ्रेंड के रिंग सेरेमनी पे। सो ये ड्रेस कुछ इस तरीके से है। ये ऊपर का इनका बोट है, बोट ये नीचे इनका लंबा सा स्कर्ट है, ये कुछ इस तरीके से। तो आज वो ये वियर करने वाली हैं और बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाइट मेकअप करूँगी मैं उनका। ज़्यादा मैं मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं और ना ही मुझे ज़्यादा खास मेकअप वगैरह करने आता है, बट जितना भी आता है, जैसा भी आता है, मैं वो करूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँ। सो बने रहिए मेरे वीडियो में, एंड तक देखना विदाउट स्किप करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। मस्कारा हो गया, प्राइमर हो गया, और ये प्राइमर है, ये मेकअप फिक्सर हो गया, और ये हमारा स्पंज, ये एक हमारे पास ग्रीन कलर का लाइनर है जो कि उनकी ड्रेस से कुछ कुछ मैच करेगा। मैं देखती हूँ एक बार। हाँ ये देखो, बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर उनको पसंद आया तो मैं वही चीज़ लगा दूँगी, नहीं तो फिर मैं ब्लैक लाइनर भी है हमारे पास, तो मैं उनको ब्लैक लाइनर भी लगा दूँगी। और ये दो तीन लिपस्टिक मैंने उनके निकाल के रखी है, ये अभी सिरम वगैरह लगाएंगी, नेल पेंट लगाएंगी, और आई थिंक गले में वो ये वियर करें। और फिर उसके साथ ये देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा सा एयरिंग है ये, और कुछ एयरिंग ये भी हैं, अगर उनको जो पसंद आएगी वो हम लोग यूज़ करेंगे। और ये हमारा आई साइड मेकअप बस इतना सा है, इतने में ही मैं उनका मेकअप करूँगी। मैं देखती हूँ, और हो सकेगा तो फिर मैं थोड़ा सा क्लिप वहाँ पे मोना जो जा रही है, मैंने उनसे बोला है कि थोड़ी सी क्लिप इसमें ऐड करें, तो मैं वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। जैसे पहले उनको आ जाती हैं तो जल्दी से उनको पहले मैं रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। 12 बज गए हैं और 1 बजे वहाँ पे सगाई का टाइम है, वैसे तो लेट हो ही जाता है, 2 बजे जाएंगे शायद, बट यहाँ पर मोना ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हैं, तो चलो पहले जल्दी से उनको रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद फिर ठंडे तो मॉइस्चराइजर लगाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे फेस का सीरम लगाया हुआ है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लगाएंगे प्राइमर, ताकि हमारा जो मेकअप है वो थोड़ी देर का लॉन्ग टाइम तक टिका रहे, सेफ रहे, और इससे हमारी स्किन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, जितना भी लगा सकते हैं। देन मैंने यहाँ पर कंसीलर लगाया था, फिर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया था, और उसके बाद फिर मैंने फेस पाउडर लगा करके छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे उनको आई शेडो लगाया, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई और ब्लशर लगाया, देन लाइनर लगा करके मेकअप कंप्लीट हो गया। बहुत ही हल्का लाइट मेकअप किया था, आप लोग देखना लास्ट में मैंने दिखाया है। और ये सब कर रही थी तो ओरियो को टॉयलेट आई थी, तो उसने मेरे से बोला था कि ताई जी सुसुआई है, वो मुझे ताई जी बोलता है या भाभी जी बोलता है, मम्मा कभी नहीं बोलता है। और लास्ट में देखना, लास्ट में क्या बीच में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जब मैं उनके प्रेस कर रही हूँ तो वो मेकअप का सामान लेके अपने आप को कैसे मेकअप कर रहा था, वो आप ज़रूर देखना। अरे काजल बंद हो गया, जब हमें जल्दी से प्रेस करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं, जल गया पीछे से, और इससे हम जल्दी से फटाफट से प्रेस कर लेते हैं। और प्रेसिंग मशीन है हमारे पास, बट हम उससे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। मेरा फोन आ गया, पता नहीं किसका है। प्रेसिंग मशीन से वैसे अच्छे से प्रेस होता है, बट हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इस वजह से मैंने ऐसे किया। इससे भी काफ़ी अच्छे से होता है, आप लोग देखना, लास्ट में काफ़ी ठीक हो गया था। और यहाँ पे मोना को ठंड लग रही थी, इसलिए मोना ने ऊपर से जैकेट डाल लिया था। और दूसरा स्टेप भी है, वो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, दूसरे तरीके से भी मैंने प्रेस करना इसमें बताया है। और यहाँ पर देखो आप, इसको ये लगा पड़ा है अपने मेकअप करने में, ये देखो कैसे कैसे कर रहे हो। इस तरीके से कॉटन का कोई कपड़ा आप नीचे लगा के बीच में बालों को रख करके फिर आप प्रेस कर सकते हैं, इससे भी बहुत इजीली प्रेस हो जाता है। ये लिसु पीछे आओ, नहीं तो तुम्हारा सीधा रहे, पीछे हो जा, हाँ उधर जाओ, ऐसे
गया गोगी, कंधा कहाँ गया, कंधा कहाँ गया, अरे बोली भैया कंधा कहाँ गया, ऐसा नहीं ऐसे रखो, मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, नहीं अभी नहीं, रुक जाओ सब बाइक बाइक पे हो जाए, बता क्या करूं, बता बता दे एक बार, मैं क्या करूं, बाइक बाइक पे धुल धुल करा दूं इसको, तोप के जाइए अपन, अच्छा मुंह तोप के जाएगी, हां तो मेरी मक्का ली है ना, मेरे को पता नहीं है, बस हाथ पे भी लगा लो, बारात वाले दिन का होगा, राम जाने, मिला लो हाथ पे, तो मोना हो गई है रेडी और मैं आई हूँ सबसे टॉप फ्लोर पे आपको दिखाने के लिए, फाइनल ऐसी लग रही है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और मैं आपको बैक कैमरे से एक बार इनका पूरा फाइनल लुक दिखा देती हूँ, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो, मैं सबसे ऊपर आई तो सांस फूल रही है, कोई नहीं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय। जो ट्विस्ट कर दिया था कुछ इस तरीके से और बस मैंने कर दिया है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नहीं नहीं नहीं, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बड़ा पास है, बड़ा पास है।